मैं उठी थी सुबह आज लेट, क्योंकि राजीव भी स्कूल नहीं गया। उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, और भी ये मेरा प्लाजो था, ये बार बार ऊपर जब मैं टांगती हूँ वहाँ से गिर जाता है। और सॉक्स वाला थैली मैंने अपने बेड में रख दी थी, और ये सारा बैग मेरे सॉक्स भी बनाई हुई उसी से भरा हुआ, और धागे धागे का बैग हुए रखे होते बेड में, कोई चीज़ धागे की ज़रूरत पड़ जाती है मुझे, क्योंकि मैं बुनाई का काम करती हूँ, तो फिर कहाँ कहाँ मैं ढूंढती रहूँगी। तो मैं ये सब चीज़ें अपने पास रखती हूँ। फिर मैंने की अपने बेड की साफ़ सफाई, यहाँ पे मतलब बेड लगा रही थी, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऐसे ही मेरे बहुत बुरा हाल हुआ था, मेरे को अपना भी पता नहीं लग रहा था कि क्या कर रही मैं क्या नहीं, ऐसे चक्कर जैसे भी आ रहे थे मुझे। और लास्ट के मंथ में तो मेरे पास शुगर की दवाई भी नहीं रहती है। तो आप प्लीज़ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहे, थैंक यू सो मच। ये मैं बुना रही हूँ सॉक्स, ये एड्डी है और ये बॉर्डर। ये आपको डिजाइन कैसा लग रहा है बाद में बताऊंगी इसको कैमरे से नज़दीक से। और अब मैं कर लेती हूँ काम। बुखार हुआ मेरे को और मेरे बेटे को भी बुखार हुआ हुआ और मुझे भी बुखार हुआ हुआ। आज खिचड़ी बनाती हूँ, पतली पतली सी खिचड़ी, उसको स्कूल जाने में देर बहुत दिन हो गए, बहुत तबीयत खराब हुई थी उसके, कर लेती हूँ। तेरा सांस भी फूल गया, बहुत तबीयत खराब हुई मेरी। आज बहुत अच्छी धूप आई हुई थी, और ये सुबह सुबह का 7 बजे का टाइम है, और यहाँ पे नीचे कूड़े वाले भैया आए थे, जो मतलब जो कूड़ा लेके जाते हैं। और फिर मैं यहाँ से ये ब्लॉग बना रही थी, वीडियो बना रही थी। ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको सॉक्स का ज़रूर बताना। कहीं भी मैं अकेले नहीं जाती, दवाई को अकेले नहीं जाने, कोई भी राशन लेने अकेले नहीं जाने, हमेशा मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। कहीं भी मैं अकेली नहीं गई, कहीं फंक्शन होगा तब भी मेरा बच्चा मेरे साथ जाता है। इतना मेरे को क्यों टॉर्चर किया गया जाता है, ये मैं तो ये समझ रही हूँ, इतना क्यों टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। मैं तेरे से कुछ नहीं मांगने लगी, बाबा मेरे को माफ़ कर दे, तेरे को मैंने गलती से फ़ोन कर दिया था इसको बोलने के लिए कि भाई इन बच्चों का सोच ले, अपनी जमीन पे लोन ले ले, या अपनी जमीन का वहीं उनको मकान डाले जो मेरे बच्चों का हक है। आपके पापा का भी घर नहीं था, मैं ये बात सच बोला मैंने, जो मेरे ससुर जी थे उनका घर नहीं था, उन्होंने भी अपने बच्चे ऐसे कमरों में पाल दिए, वैसे ही आप पालने लगे अपने कमरे में रह के। हमारा अपना घर होए, हमारा मन करता है भी हम अपने घर में हुए, अपने आज़ादी से हर महीने कहाँ से हम रेंट देंगे, कैसे गुजारा करेंगे। यही बातें आपके साथ बोली थी, आपको ये इतनी बुरी लगी मेरी बातें, ठीक है नहीं देना मेरे लिए तो मत दो। तो शादी क्यों की थी जब नहीं खर्चा देना, तो शादी क्यों की। हेलो एवरीवन, आज है मंडे और आज घर पे ही है, इसको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है कल से ज़्यादा। ऐसे ही मैं रात से टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ बहुत ज़्यादा। और इतने अच्छे दिन चले हुए थे अभी तक, दुख सुख में हारी बीमारी में हमारे दिन चल ही रहे थे, पर कल मैंने जो अपने हस्बैंड से बात की अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए, कि दोनों भी इन बच्चों के लिए घर बना लेते, कुछ भी हम
इनके लिए ठिकाना बन जाएगा। तो उन्होंने मुझसे मेरे राजीव को ले जाने की भी बात कर ली कि मैं अब राजीव मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि वो तेरा हक उस पर कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है। तो क्या 18 साल से बाद माँ का कोई हक नहीं होता बच्चों के ऊपर? मैंने इतना बड़ी मुश्किल से पाला हुआ अपने बच्चे, पता नहीं भगवान ने मेरी जिंदगी में सुख लिखा, पता नहीं भगवान ने मेरी जिंदगी में सुख लिखा नहीं, शायद ऐसे ही हर दिन सुबह शाम हर टाइम मुझे ना परीक्षा ही देनी पड़ती है हर टाइम। और अब 18 साल को लग जाएगा ये नवंबर में, तो इसके पापा ने बोला कि अब तेरा हक भी कोई भी है इसके ऊपर, ये मेरे पास ही आ जाएगा, मैं इसको अपने पास ही रखूँगा, चल जहाँ भी रहेगा मेरा बच्चा अच्छा रहेगा खुश रहेगा। सुबह से ना मैंने अपने कमरे की साफ़ सफाई की थी और 11 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद बस सिर्फ एक चाय का कप पिया और अभी कप यहीं रखा हुआ मैंने, अभी उठा के ले जाऊंगी। अभी कुछ डिनर के लिए कुछ भी नहीं बनाया हुआ और थोड़ी सी खिचड़ी बची भी वो खा लेंगे हम, और अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो बुखार हुआ था, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राजीव की तबीयत ठीक नहीं है और उसको भी बुखार हुआ था, वो ठीक है। और अभी मैं उसके कमरे में गई थी, उसने मेरे को बाहर निकाल दिया पल्ले स्टोर वाले कमरे से, वो हमारा ऐसे स्टोर टाइप का कमरा है, वो ऐसे नहीं है कि भाई वो उसके लिए था कि भी चल थोड़ी देर तो स्टडी कर लिया कर कभी कभी, और अपना स्पेस होता ही है अपने बच्चों का। पर उसने मेरे को अभी अपना स्कूल का काम कर रहा था और फिर उसने बोला कि मम्मी आप अपने कमरे में चले जाओ पर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और बातें तो बहुत सारी है और कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ कोई पता ही नहीं है किस बात का। पर ये कल से मेरे को बहुत डिप्रेशन में चलेगी, बहुत टेंशन में चलेगी, क्योंकि मैंने कल अपने हस्बैंड के लिए फ़ोन किया था और कुछ ऐसी बात हुई। चलो अब मैं उनको कभी फ़ोन भी नहीं किया करूँगी, कभी कुछ भी नहीं बोला करूँगी उनको, बस थोड़ी सी गलती ये है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बोल दिया था कि उनका घर बनाने का सोचे, उनको घर बनाना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो गए और रूम का रेंट भी हमारे को देने में बहुत दिक्कत होती है, तो 3-3 महीने बाद हम रेंट देते हैं कैसे फिर, सच में बोलती हूँ बेचारे तो हमारे मुंकार मारी की अच्छी है जो हमारे को कुछ बोलते नहीं है, कोई और गुस्सा होता तो आज को हम बाहर निकाल देते हैं हमारे को, और बथेरे खर्चे होते हैं। अब सब्जी को देख लो आजकल कितने महंगे सब्जी आए, प्याज देख लो कितने महंगे हैं, पर ये कि घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और जो रही मेरी डांस करने की वीडियो, तो वो भी बीच में हो सकता है मैं अगर तबीयत ठीक रही तो मैं करूँगी, बस ये कि मेरी तबीयत ठीक रहे तो तभी मेरे से डांस वाली शॉर्ट वीडियो होती है, नहीं तो आप प्लीज़ मुझे ऐसी ही मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी की मुझे बहुत ज़रूरत है। और हो सकता है कि मैं और आई भी इसीलिए थी मैं यूट्यूब पे कि मेरा घर का गुजारा चल पड़े कैसे ना कैसे, और मुझे कोई ऐसे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं थी, ना मुझे कोई ऐसे शौक है अपने घर की बातें अपनी कुछ भी बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी YT पे। और घर की इतनी टेंशन है ना मेरे को बहुत ज़्यादा, अपनी मम्मी की तरफ से भी बहुत टेंशन है, छोटी छोटी बात के लिए उस साइड से भी मेरे को बहुत टेंशन है, उनका भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। और मायके के नाम से सिर्फ मेरे माँ ही है, भाई तो सिर्फ बस बोलने की भाई है, सच में बात बता रही हूँ मैं, वो मुझे समझते ही नहीं अपनी बहन, तो क्या कर सकती हूँ मैं। सिर्फ उन्होंने मेरा जो बड़े वाला भाई है वो मुझे सिर्फ किसी की चुगलियाँ करनी हो तब मुझे फ़ोन कर देता है, या कोई भेंट लेना हो तो फ़ोन कर देता है, या फिर कुछ मतलब के बात करनी हो तो फ़ोन किया उसने, सिर्फ साल में एक बार कभी रक्षाबंधन को नहीं बुलाया, बेशर्मी की तरह मैं चल गई थी अपने ओबे अपनी मम्मी की तरह, मम्मी ने मेरे को बुलाया था पर उनके रूम में नहीं गई मैं, इस साल पिछले साल रूम में गई थी, तो कभी उन्होंने ऐसे नहीं बुलाया। चलो उनकी भी जमी हुए जैसी करनी वैसी भरनी।